my channel. So after a very long time, we are making this vlog and we are going to this very old generation old restaurant called Anand Restaurant. Now this is around CP, Cannot Lane, Tolstoy Lane पे इसका एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूंगा. इट्स अ वंडरफुल प्लेस. हम तो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो वी जस्ट हैपन टू स्टॉप हियर. अब यहाँ का मीट का बहुत तारीफ सुनी है. मटन मीट एंड चिकन इज ऑल्सो रियली नाइस, बट जितना है मीट एंड बिरयानी आर वेरी फेमस. स्टार्ट द व्लॉग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और आपको डिलीशियस सा खाना दिखाते हैं आनंद रेस्टोरेंट, फिर रिव्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फाइनली हम सेटल हो चुके हैं आनंद रेस्टोरेंट में. यू नो गाइस, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फीलिंग, बहुत ओल्ड स्टाइल रेस्टोरेंट है एंड दीज गाइस आर स्टिल सर्विंग इन स्टील प्लेट. सो वी ऑर्डर फॉर अ कीमा मीट एंड वन चिकन साग वाला और साथ में रोटी. एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल ओल्ड स्टाइल, बिल्कुल स्टील प्लेट्स में. नाउ दिस रेस्टोरेंट इज ओपन सिंस 1977 एंड दिस इज अ थर्ड जनरेशन विच इज गोइंग ऑन. गाइस ये है हमारा कीमा मीट. ये देखो कीमा के मीट के पीसेस और साथ में कीमा है. लुक एट दिस. और ये हमारा चिकन साग वाला, यह है वो चिकन का पीस और ये पूरा साग की ग्रेवी में, इट्स लुक्स ऑसम. और साथ में हमने तंदूरी रोटी मंगाई है, ये साथ में प्याज चटनी है. ये बटर रोटी इनकी नॉर्मल प्लेन बटर रोटी लुक्स सो गुड, साथ में तिल विल डाल के धनिया वनिया डाल के अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है. खाना तो हम लोग खा ही रहे हैं एंड इट इज़ ऑसम. आई लव द चटनी एज वेल. चटनी में काफ़ी हरी मिर्च का स्वाद है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड नाइस. गाइस अब आ चुका हमारा मटन कीमा मीट एंड साग वाला, उसका टेस्टिंग करते हैं. अभी सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी टेस्ट कर रहा हूँ, अभी टेल यू कैसा है. बिल्कुल घर जैसा स्वाद है ब्रो. कीमा मीट इज़ लाइक रियली नाइस, टेस्ट लाइक वेरी होमली. कोई वो रेस्टोरेंट वाले मसाले और वो सब इतना नहीं, इतना कोई स्पाइसी है कुछ नहीं है. पीसेज भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मीट है पीसेज में. दे आर रियली नाइस, आराम से टूट गया. बिल्कुल टेंडर है मीट, ऐसा नहीं कि मीट बहुत चूई है, हार्ड है, तोड़ना पड़ा है. एंड अगर हम साग चिकन की बात करते हैं, सिर्फ ग्रेवी बता रहा हूँ टेस्ट करके, इट इज ऑल्सो नाइस एंड अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. आप ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा, इट्स रियली नाइस, इट्स बहुत कह सकते हैं. सो गाइस वंडरफुल मील खा लिया हमने, बहुत टेस्टी डिलीशियस मील था. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेस्टोरेंट इज इट्स वेरी इकोनॉमिकल. मंथ एंड में वो जो हालत टाइट होती है बट तब भी अच्छा खाना होता है ना, वो वाला स्टेट होता है तब आपके रेस्टोरेंट में. और अदरवाइज भी इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. हालांकि अभी अपना ऐसा स्टेटस आया नहीं है बट इट्स वेरी नाइस. नाउ द कीमा मीट वॉज वेरी गुड बट साग मीट का इतना फ्लेवर आ नहीं रहा था क्योंकि कीमा मीट वॉज सो फ्लेवरफुल. साग का अपना एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होता है और उस वजह से कीमा बहुत ओवर पावर कर रहा था. नन द लेस आई थिंक बाकी की डिशेज चिकन डिशेज विल बी एज गुड बिकॉज देयर अ वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट एज आई टोल्ड यू. नाउ देयर टाइमिंग्स इज 11 AM इन द मॉर्निंग एंड 10:30 इन द नाइट. तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो नहीं बट हाँ ब्रंच कर सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर ऑफकोर्स कर सकते हो. ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, इट्स एन ओल्ड प्लेस एंड यू शुड ट्राई इट फॉर श्योर. नाउ
आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर भी करो यार, क्योंकि उससे क्या होता है मोटिवेशन आता है और ऐसे ऐसे नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करने का, आपको दिखाने का और बताने का कि कैसे रिव्यू करें. ठीक है, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड वील कम बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून एंड वील सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय.